पेंसिलेशन की कंसेप्ट शीट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फॉर्मूला शीट भी कर चुके हैं, अब कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं पेंसिलेशन 23.18। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है जिसका एरिया लिया है। तो डायगोनल और एरिया के बीच में कोई स्पेशल फॉर्मूला है क्या? रोम्बस का फॉर्मूला याद है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ डीवन इनटू, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर इज आल्सो आर रोम्बस, स्क्वायर इज आल्सो आर रोम्बस। स्क्वायर ऐसा रोम्बस है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का स्पेशल फॉर्मूला होता है हाफ, ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है, डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज हाफ इंटू डी स्क्वायर, डायरेक्ट एक स्टेप में निकालेंगे, नहीं तो अदरवाइज दो स्टेप में निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हाफ डी स्क्वायर इक्वल टू 242 00, ऑल राइट। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 242 को 121 इंटू 2 लिख दू, और इंटू 2 जीरो को मैं 10 × 10 लिख दू, है ना। और ये जो 2 यहां से जाएगा, एक 2 और यहां ट्रांसपोज हो जाएगा, जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई, हमें चाहिए डी, स्क्वायर रूट लेना है। 121 होता है 11 × 11, एक 11 कॉमन, एक 2 कॉमन और एक 10 कॉमन, आंसर 220। और अदरवाइज दूसरे मेथड भी थे, एरिया से साइड निकालते, साइड से डायगोनल निकालते, ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसलिए मैंने इसको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 2, पेरिमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए एक राइट ट्राइंगल है, द पेरिमीटर इज 60, हाइपोटेन्यूज बोलता है 25, अदर टू साइड्स ए और बी फाइंड करना है, ठीक है। मान लो तीनों साइड्स ए बी सी हैं, तो आपको तो मालूम है पेरिमीटर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 60, और सी कितना है 25, 25 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू, पहली चीज ये समझ लें, ठीक है। बाकी के दो साइड्स क्या होंगे, क्या उनका सम 35 होना चाहिए, फर्स्ट सेट 5, नो, अरे दोनों का सम 35 होना चाहिए, सेकंड, नो, थर्ड, यस, फोर, यस, सम 35, सम 35, लेकिन फोर फिर एलिमिनेट कर दें, क्यों मालूम है, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड, इसके बाकी दोनों साइड जो होते हैं ना हाइपोटेन्यूज से छोटे होते हैं, इक्वल हो ही सकते, ये भी एलिमिनेट हो गया, आपका आंसर थर्ड ऑप्शन। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है या नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है, तो आप ट्रिपलेट ट्राई कर लो, 15 20 25 15 20 25, ये ट्रिपलेट है। आप चाहे तो 5 से सबको काट के देख लो, 3 4 5 5, आपको याद है ना 3 4 5, तो उनके टेबल्स भी होते हैं। तो हमने एलिमिनेशन मेथड लगा के, लॉजिक लगा के सॉल्व किया। एरिया ऑफ रोम्बस का डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ इंटू डी वन इंटू डी, तो ये तो फॉर्मूला भी है, है ना, 4 6 24, इसका आधा कर दिया मैंने, 4 6 24 डायरेक्ट, ओके। फिर आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, ओके, कुछ नहीं है फोर में, बोलता राइट आइसोसेलीस, राइट ट्रायंगल तो है लेकिन साथ में आइसोसेलीस है, ये दोनों साइड्स इक्वल है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस एक्स ले लो इनटू हाइट एक्स, आइसोसेलीस है, एरिया इज मच 12.5, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, x equals to 5. Next question जो है 5, और interesting question है, और सबसे main चीज question समझ में आना, diagonal का square, एक square है, उसका जो diagonal है is twice the side of equilateral triangle, एक equilateral triangle है जिसकी side है x, और square का diagonal क्या है, उसका 2x. Question is very clear. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ
triangle to area of square. एरिया ऑफ ट्राइंगल का और क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला है यस 3/4 इनटू साइड स्क्वायर मैंने साइड को एक्स ले लिया और स्क्वायर का कोई फॉर्मूला डायगोनल वाला हमने डायगोनल का भी अभी क्वेश्चन नंबर 1 में डायगोनल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया हाफ डी स्क्वायर हाफ डी स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर वेरी क्लियर तो ये 2 कटेगा 2 बार x square कट जाएगा क्या बचा यहाँ पर ऊपर रूट 3 नीचे 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 मैंने जल्दी जल्दी में इतने में ही कर दिया आप कर लेना सिस्टमैटिक ओके तो देखिए हमने क्या किया इक्विलैटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया रेशियो मींस डिवाइड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है दैट इज 10 एक कार्डबोर्ड है रेक्टेंगुलर शेप का उसका साइड लेंथ है 4 ब्रेथ है 2 द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सर्कल जो काटेंगे सबसे बड़ा जो सर्कल काटेंगे उसका डायमीटर 2 होगा इस बड़ा सर्कल आप काट ही नहीं सकते और डायमीटर 2 मींस रेडियस 1 हमें चाहिए रेमेनिंग पार्ट तो रेमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ 4 टू 8 और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर आर है 1 दैट इज पाई 8 माइनस पाई एंड दैट इज ऑल क्वेश्चन नंबर 11 एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इन स्क्वायर एक स्क्वायर है स्क्वायर के अंदर लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल बना रहे हैं आप साइड कितना था सर्कल का डायमीटर कितना होगा इससे बड़ा बना नहीं सकते रेडियस कितना 7 बस खत्म हमें क्या चाहिए ऐसे सर्कल का एरिया एरिया होता है पाई वैल्यू पुट अप किया ना 22/7 इनटू आर स्क्वायर 7 इनटू 7 8 7 कट गया आपका आंसर 194 से साइड कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट करके ये हो गया 14/10 और 10 का 14 आपको पता ही है इट इज 40% इंक्रीज नेक्स्ट आपने पूछा 15 क्वेश्चन अच्छा है और लेंथी है तो ध्यान से हमारे मेथड से करेंगे पहले आप देखेंगे ब्रिक का साइज दिया है सेंटीमीटर में हाँ ध्यान रखना तो वॉल का जो डायमेंशन है उसको भी अपन सेंटीमीटर में ले लेंगे लेकिन एक प्रॉब्लम ये है बोलता है ये पूरी वॉल का 10% जो है वो मोर्टार मतलब सीमेंट और रेत का जो मिक्सचर होता है उसको मोर्टार बोलते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको स्टेप एरिया ऑफ वॉल निकालना उसमें से एरिया वॉल्यूम सॉरी हाँ वॉल्यूम ऑफ मोर्टार वॉल निकालना सबसे पहले एक सेकेंड हो जाएगा फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे उसमें से क्या करना वॉल्यूम ऑफ मोटार माइनस करना है तो क्या बचेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक उसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक से और ये तो हम लोग ना एक ही स्टेप में करने वाले हैं कैसे देखो मैं बता रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ द वॉल फर्स्ट स्टेप वॉल्यूम ऑफ द वॉल 2400 by 800 by 60 वेरी करेक्ट इसमें से मोटार माइनस करना है तो 10% निकाल के माइनस करने से अच्छा ये है कि अगर आपका मोटार 10% है तो बाकी का वॉल 90% है तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो गया 10% मोटार था 10% माइनस कर दिया तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक 24/12/8 इसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे बिल्कुल सीधा सीधा कैलकुलेशन है
ठीक है, बस इतनी सी ध्यान रखना कि अगर मोटा 10% है, ऐसा नहीं करना है कि पहले वॉल्यूम निकालना पूरा मल्टीप्लाई करके, फिर मोटा निकालना है उसका 10%, फिर उसको माइनस करना, जबरदस्ती में लेंथी हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स ऐसा कर लेते, हमको करना कहाँ है, ये वॉल्यूम है, इसका 10% मोटार है, तो बाकी का 90% वॉल है, ब्रिक्स है। हाँ, तो 10% अपन ने यहीं पे माइनस कर दिया, तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। हाँ, लॉन्गेस्ट रॉड, रूम का लॉन्गेस्ट रॉड क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दैट इज ऑल, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लें। अब एक स्पेशल चीज आपको बताया था शायद, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब, याद रखना, जैसे हम लोगों ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट किए थे ना, वैसे ही नहीं, ये समझिए क्वाड्रुपल्स, 3, 4, 5 का 6 बनेगा, क्यूब रिलेशन होना चाहिए, और केवल यही नहीं, इनके सारे मल्टीपल्स भी, मतलब अगर सबको से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब विल बी इक्वल टू 12 क्यूब, ये भी वर्क करेगा, और केवल यही नहीं, इनके सारे मल्टीपल्स, ठीक है। अब होता है 3 क्यूब्स हैं, एक का एच है, साइड है 3, एक का 4, एक का 5, तीनों को मल्ट करके बड़ा क्यूब बना रहे हैं, उसका साइड क्या होगा, 6, ठीक है, उसका साइड क्या आएगा, 6, में डायरेक्ट मेथड से बता दिए, क्योंकि 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 6 क्यूब, साइड आ गया 6। अब होता है, अब उसका सरफेस एरिया, तो आपको मालूम ही होगा सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू 6 का स्क्वायर, दैट इज इसका क्यूब, 216, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्टिव मेथड से कर नहीं रहा हूं, अदरवाइज अदरवाइज इस क्वेश्चन का मीनिंग ये होता है, 3 क्यूब हैं छोटे छोटे, उनको मेल्ट करके बड़ा बनाया, इसका साइड था 3, इसका 4, इसका 5, और तीनों को मेल्ट करके बनाएंगे तो 6 आएगा, कैसे, वी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ऐसे इक्वेट करके निकालेंगे आप, बन जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी समझा होगा मैं आपको। सबसे पहले आप समझ लें कि व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स ना, बस वही तो गलती हो गई। व्हाट इज एक्स, एक्स इज द एरिया ऑफ द एडजेसेंट फेस, समझ लीजिए, एक्स इज एरिया ऑफ द बेस ऑफ द फ्लोर, दैट इज लेंथ इन टू ब्रेथ, ये एरिया है। व्हाट इज वाई, वाई वो साइड वाली वॉल का एरिया, लेंथ इन टू हाइट, और जेड जो है वो ये सामने वाली वॉल का एरिया है, ब्रेथ इन टू हाइट। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो क्या हो जाएगा, एल बी एच होल स्क्वायर तीनों, और आपको मालूम है एल बी एच क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम स्क्वायर, एक्स वाई जेड इज वॉल्यूम स्क्वायर, और कभी कभी वॉल्यूम पूछता है, व्हाट इज वॉल्यूम, होल अंडर रूट एक्स वाई जेड। तो फिलहाल आपका आंसर थर्ड ऑप्शन आ गया, और कई बार क्या होता है, मैंने देखा है क्वेश्चंस, मैंने आपको 4, 8, 2 मैंने बोला था, एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस आर 4, 8, 2, फाइंड द वॉल्यूम, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना, v इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई जेड 4, 8, 2, चाहे मल्टीप्लाई करके कर लो, अदरवाइज तो हम फैक्टराइज करते हैं, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हो गया, राइट। देखो ये अभी हमने पढ़ा था ना, 3, 4, 5 का 6 होता है, तो 6, 8, 10 का 12, तो रिजल्टिंग फिगर आएगा उसका साइड 12 आएगा, वो स्पीयर हो चाहे क्यूब, फर्क नहीं पड़ता, है ना। वैसे भी हमने कंसेप्ट में पढ़ा था, हम लोग ये फिगर नहीं देखते, हम लोग कंसेप्ट से सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन 23 में कुछ खास नहीं है, बोलता एक क्यूब है जिसका डायमेंशन है 10, लेंथ 10, ब्रेथ 10,
आई टेन होता, उसके बाजू में ऐसा ही एक क्यूब और एडजस्ट कर दिया, तो टू क्यूब्स ईच ऑफ टेन एज, इसका भी लेंथ टेन, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, ट्वेंटी, लेंथ हो गया ट्वेंटी, ब्रेथ टेन, हाइट टेन, बस खत्म। आपको सरफेस एरिया चाहिए, आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है क्या, ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सबसे इजी, ए बी सी में बोलना आसान होता है ना, ए बी सी में बोलना इजी होता है। लेंथ ऑफ द आर्क, असल में ये तो एक फॉर्मूला है, अगर ये सर्कल है और ये सेंटर पर कोई एंगल बना रही है तो इस आर्क का लेंथ क्या होता है, ये आर्क का जो लेंथ है ये क्या है बेसिकली मालूम है, सर्कमफेरेंस का एक पार्ट, कितना पार्ट, थीटा बाय 3/6, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 बाय आर इनटू थीटा बाय 360, दो ही वेरिएबल्स हैं इसमें, एक आर और एक थीटा, आर भी दिया है थीटा भी दिया है, वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर लीजिए, ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क। बोलता है ग्रेटेस्ट कोन दैट कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब, अब आप क्यूब ना समझकर क्यूब को सामने से साइड से देख रहे हैं तो आपको स्क्वायर दिख रहा है, और उससे हम लोग सबसे बड़ा कोण काट रहे हैं, ध्यान देना कि सबसे बड़ा कोण काट रहे हैं, तो और एज कितनी है इसकी, क्यूब की 3, तो कोण की हाइट कितनी होने वाली है 3, और कोण का डायमीटर कितना होने वाला है 3, दैट मींस रेडियस विल बी 3/2, फ्रैक्शन में काम करेंगे, बस खत्म। उसने बोला वॉल्यूम होगा कोण, दैट इज 1/3 पाई, पाई को आप चाहे तो 3.14 ले लो, चाहे तो 32/7 ले लो, ठीक है, तो वॉल्यूम होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3/2 × 3/2 × h, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, 64 छोटी छोटी बॉल्स हैं, छोटी छोटी बॉल जिसका रेडियस कितना है 3, ऐसी 64 बॉल मेल्ट करके एक बड़ी बॉल बनाई, उसका रेडियस चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप 64 बॉल्स मेल्ट किए हैं तो वॉल्यूम 64 टाइम्स बढ़ जाएगा, एक बॉल की जगह 64 बॉल्स, तो 64 बॉल्स है तो न्यू बॉल का वॉल्यूम 64 टाइम ज्यादा होगा, बिल्कुल क्लियर, लेकिन हमें तो चाहिए रेडियस, तो वॉल्यूम से रेडियस कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट करके, तो रेशियो आएगा 4:1, मतलब अगर पहले जो 1 था तो अब उसका नया जो है 4 टाइम्स होगा, पहले 3 था तो 3 का 4 टाइम्स 12, हमारा आंसर आ गया। ये मैंने अपने कंसेप्ट मेथड से समझाया, अदरवाइज जो डिटेल वाला मेथड है तो है वो भी इजी है, खुद ही देखो ना, 64 बॉल्स को मेल्ट करोगे वॉल्यूम 64 टाइम ज्यादा नहीं हो जाएगा, और वॉल्यूम से साइड कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट करके, तो साइड का रेशियो कितना होगा 1:4, 4:1, तो नया जो आपने बनाया 4 टाइम ज्यादा, अगर ये 3 है तो 3 का 4 टाइम ज्यादा है, 12 है, बस खत्म, दूसरे मेथड की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसमें थोड़ा लिख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ तो आप अगर समझ गए तो नेक्स्ट टाइम ओरल कर देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन और है अभी, हाँ 32 देखिए, बिल्कुल सेम, रेडियस कितना है और एरिया कितने टाइम्स है, 9 times. एरिया 9 times, मतलब अगर 1 था पहले तो अब 9 है, एरिया से रेडियस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट करके, कितना हो गया 3:1, मतलब कि पहले अगर 1 था रेडियस तो अब हो गया 3 टाइम्स, तो अगर पहले 3 था तो अब 3 टाइम्स, दैट इज 9, बिल्कुल वही कांसेप्ट कनेक्ट है ना, पर में बस डिफरेंस यहां कि प्रीवियस में वॉल्यूम था
यहाँ पर एरिया है, इसके साथ में आपने अपना कंसेप्ट मेथड या कंसेप्ट मेथड किया तो आंसर ओरल निकल जाएगा। एच ऑफ द क्यूब इज थ्री टाइम्स, मतलब वन का थ्री कर दिया तो वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगा, राइट। डायगोनल का फॉर्मूला पता है आपको क्या? साइड इनटू रूट थ्री। डायगोनल का फॉर्मूला होता है साइड इनटू रूट थ्री, और बोलता है डायगोनल इज 12। अगर रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल कर दो तो साइड आ गया 12। बस एज मतलब साइड। रेशियो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन एंड सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ कोन एंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। सेम हाइट सेम रेडियस, ये पूरा कट जाएगा, रेशियो इज 1:3। वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हमने पढ़ा था जब फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है, बात खत्म। अगर सेम हाइट और सेम रेडियस हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट शीट ऑलरेडी कर चुके हैं। एज मीन साइड, साइड इंक्रीज्ड बाय 50%, मतलब 10 का 15, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? क्यूब करके, 10 का क्यूब 1000, 15 का क्यूब 3375। दोनों को 10 से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा 100 का 337.5। कितना इंक्रीज हुआ? 237.5। किस पर? 100 पर, मीन्स पर से, ठीक है। वॉल्यूम चाहिए तो क्यूब करेंगे, पर मीन्स आउट ऑफ द वे। लेंथ इज डबल, अच्छा लेंथ ऑफ द कोन मतलब क्या? लेंथ ऑफ द कोन मीन्स हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम और हाइट का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट, अगर आपने हाइट को डबल किया तो वॉल्यूम विल बी डबल, एंड डबल मीन्स 100% इंक्रीज। डबल मीन 100%। होल सरफेस एरिया 6 × साइड स्क्वायर होता है, दैट इज 600। 6 × 100 साइड इक्वल्स टू 10, साइड इक्वल्स टू n, डायगोनल साइड इनटू रूट 3, ठीक है। कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ये लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या आपको? ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला। ट्वाइस हाइट दैट इज 10 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ कितना? 10 आ गया, लो राइट। Twice height length plus breadth, simplification करना जैसा आपको इजी लगे वैसे कर दीजिए। Edge of the cuboid, diagonal का formula, full under root plus b square plus c square, वही same formula, formula को put up करके solve कर लीजिए। ये क्या है? Perfect square नहीं आएगा, solve कर लें क्या? 12 का square 144, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर, ये दोनों मिलाकर 100 और 244, दिस इज अंडर रूट 244 को आप फैक्टराइज कर दो, तो फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2 × 61 आएगा, 2 कॉमन बाहर निकल जाएगा, 61 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए। डायगोनल कितना है? 6√3। डायगोनल होता क्या है? साइड इनटू 3, दैट मीन साइड इज 6, सरफेस एरिया 6 × साइड स्क्वायर। 6 साइड था उसको दो दो में काटा,
कितने कटेंगे? थ्री। और हमें चाहिए है क्यूब, 3 का क्यूब 27। ओरली कर ली, अदरवाइज इसका जो पीसी मेथड है, वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब। साइड है 6, तो वॉल्यूम होगा 6 × 6 × 6, और यहाँ पर 2 × 2 × 2, बात वही हो गई ना। ठीक है, ये देखो तीन बार कट गया, ये तीन बार कटेगा तो ये भी तीन बार, ये भी तीन बार, तो आपन ने एक फैक्टर निकाल के क्यूब कर लिया, 3 टाइम्स कट रहा है उसका क्यूब कर लिया। हाँ, रेडियस कितना है? 2/3। हाइट का रेशियो, हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर्स। फॉर्मूला IR1²H1 IR2²H2, ध्यान रखना ये पाई से पाई कैसे। रेडियस का रेशियो क्या है? 2:3, और स्क्वायर था तो एक बार और 2:3 कर लीजिए। हाइट का रेशियो क्या है? 5:3। कटता तो है नहीं कुछ, 4×5=20/27 आंसर आ गया। मेरा मतलब ये है, ऐसा ना हो कि इसको आप लेंथी मेथड से कर दें कि लेट द हाइट बी 2x 3x, लेट द सिलेंडर, ऐसे नहीं है ना, रेशियो है, रेशियो पुट अप किया डायरेक्ट आंसर। चलिए, तो बोलता है वॉल्यूम इक्वल है। अब देखिए, मैं एक काम करता हूं, अभी ये वैल्यू को यूज नहीं कर रहा हूं, ये वैल्यू यूज कर रहा हूं, मैं नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, कुछ रिलेशन बनाएंगे फिर अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। बोलता वॉल्यूम इज इक्वल फर्स्ट सिलेंडर πr²h1, दूसरा सिलेंडर πr²h2, पाई से पाई कैंसिल, कितना क्लियर है? मान लीजिए मुझे रेडियस का रेशियो चाहिए, r1/r2²=2h2/h1, ये रखना। ठीक है, रेडियस तो स्क्वायर है, नो डाउट, लेकिन हाइट का रेशियो है वो इनवर्स है, सीधा सीधा नहीं है, ट्रांसपोज करेंगे तो इनवर्स तो हो जाएगा। इनफैक्ट अगर मुझे रेडियस r1/r2 चाहिए, √x2/h1 आएगा। मैं चाह रहा हूं इसको मेमोराइज कर ले, थोड़ा सा ध्यान, तो 1/2 नहीं, उसका उल्टा कर देना, 2/1 और स्क्वायर रूट ले लेना, तो 2/1 इज द आंसर। नेक्स्ट टाइम अपन ऐसे डायरेक्ट लगा देंगे, मतलब थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे ना कि वॉल्यूम को जब इक्वेट करते हैं तो रिलेशन इनवर्स हो जाता है, रेडियस में तो स्क्वायर है, अगर रेडियस चाहिए तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, हाइट चाहिए तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट याद रखोगे ना तो आगे सारी चीजें बन जाए। इंक्रीजिंग द रेडियस एंड द हाइट बाय 20%। तो मैंने आपको बोला था रेडियस हो, हाइट हो, कुछ भी हो, हम क्या समझेंगे? साइड। तो साइड इज इंक्रीज बाय 20% 10^12। अलग अलग होता तो अलग अलग करते, लेकिन हमें तो चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं? क्यूब, 1000 का 1728, 10 से डिवाइड कर दी, 100 का 172.8, कितना इंक्रीज? 8% इंक्रीज। देखिए जरा, कोई किसी को नहीं मालूम होगा तो कैसे कैसे करता रहेगा, हम तो रेडियस हाइट हम तो साइड ही समझ लेते हैं, स्पेशली जब इक्वल हो। वॉल्यूम का रेशियो कितना है? वॉल्यूम से साइड कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट करके, तो साइड का रेशियो कितना आ गया? 2:3। हमें क्या चाहिए? एरिया, एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं? साइड का स्क्वायर करके, राइट, वॉल्यूम का क्यूब रूट किया, साइड आया, साइड का स्क्वायर किया, एरिया आ गया। लॉन्गेस्ट बैम्बू वही फॉर्मूला है डायगोनल का, होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कर लेंगे, इजी का है। नेक्स्ट आपने पूछा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम अगर 125 है तो साइड कितना आएगा? क्यूब रूट।
होल सरफेस एरिया होता है 6 इनटू साइड स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 इनटू 6 150, राइट? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना? यस. तो ये शीट आपकी कंप्लीट. यस.